तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर पालिक निगम लोक निर्माण विभाग तथा उद्यान के प्रभारी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने महापौर अजय मिश्रा बाबा को पत्र लिखकर पद्मधर पार्क में अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने महापौर अजय मिश्रा बाबा को पत्र लिख कहा है कि पद्मधर पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि इस पार्क से नगर निगम को वित्तीय आय होने के बाद भी निगम प्रशासन सहित अब तक के महापौरों ने इस पार्क के जीर्णोद्धार के संबंध में कभी नहीं सोचे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पद्मधर पार्क में अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह की प्रतिमा भी स्थापित कराई जाए। यदि ऐसा होता है तो विंध्य के इस महान नायक को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस महान कार्य के लिए संबंधितों को निर्देशित किए जाने की कृपा करें। एमआईसी सदस्य ने कहा कि कांग्रेस महापौर के कार्यकाल में महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा की स्थापना के साथ साथ सुसज्जित पार्क का निर्माण वार्ड 15 में कराया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी महाराजा मातन सिंह की प्रतिमा को स्थापित कराने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के युवा इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं और इनकी प्रतिमा स्थापना से युवाओं की सोच में परिवर्तन व उनको प्रेरणा मिलेगी। मैं अपने महापौर अजय मिश्रा बाबा जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी बात उनसे की गई हमारे द्वारा या हमारे मैत्री के द्वारा, वो उन बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हैं। कुछ दिन पूर्व ही क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध जन शहीद लाल पद्मधर सिंह जी की मूर्ति के लिए हमसे बात की। मैंने पत्र के माध्यम से महापौर जी को अवगत कराया कि शहीद लाल पद्मधर सिंह जी का पार्क का जीर्णोद्धार आपके द्वारा कराया जा रहा है। उसी पार्क में शहीद लाल पद्मधर सिंह जी की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। महापौर जी ने उससे ज्ञान में लिया है। जल्द ही हम एमआईसी में रखकर प्रस्ताव पास कर परिसर में भेजेंगे। मैं महापौर जी को एक चीज़ की और धन्यवाद देना चाहता हूँ और रीवा की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के और प्रदेश के नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति और रीवा के अन्नदाता महाराज मातन सिंह जी की मूर्ति का भी टेंडर हो चुका है। जल्द ही उसका भूमि पूजन कर कार्य चालू कराया जाएगा।